नमस्कार, मैं कैलाश सीधे आपको लेके आया हूँ डीएवी मतगणना केंद्र पे। और यहाँ पहली बार मतगणना हो रही है। जिला प्रशासन ने मीडिया सेंटर बनाया हुआ है और हमेशा की तरह यहाँ भी मीडिया सेंटर के लिए जो मीडिया कर्मी हैं उनके लिए नाश्ते का पैकेट यहाँ पे भेजा गया है। और ये नाश्ता का पैकेट है, इसमें से कई मीडिया कर्मियों ने नाश्ता खाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कई लोगों की शिकायत है कि ये जो नाश्ता आया हुआ है ये सब्जी वगैरह ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जो खाने के लायक नहीं है। लेकिन एक दो लोगों ने नाश्ता किया। यहाँ पे बैठे हुए हैं कशिश के संवाददाता निरंजन जी। निरंजन जी, क्या है ये नाश्ता, क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं? देखिए, नाश्ता तो बहुत पहले से लिया के यहाँ रखा हुआ था। लगभग सुबह ही हमको लगता है कि 8 बजे के पहले ही इन नाश्ता यहाँ रख दिया गया है। और हम लोग लगभग 8:30 के करीब में यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन जैसे ही पहुँचे हैं और ये पैकेट को खोला गया, देखा गया तो नाश्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और यही नाश्ता मीडिया कर्मियों के लिए छोड़ा गया है। हालांकि हमारे कई भाई ऐसे हैं जो नाश्ता कर भी लिए हैं लेकिन वो ख़राब हालत में किए हैं और उन्हें फेंकना भी पड़ गया है। ऐसे में अगर देखिए, कुछ अगर बीमारी अगर होती है, फूड पॉइजन अगर होता है, तो बिल्कुल इसके लिए जो देने वाला व्यक्ति है वो दोषी होगा। तो ये आखिर इसमें क्या क्या ख़राब है, ये हम इसको एक खोल के दिखाते हैं आपको। ये नाश्ता है, नाश्ता का पैकेट है और ये हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें। निरंजन जी, शायद ये पूड़ी है और ये सब्जी है। तो पूड़ी तो ठीक है लेकिन लग रहा है कि सब्जी ये ख़राब हो चुकी है और ये सब्जी शायद कल की सब्जी है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या ख़राब है? सब्जी से बदबू इस प्रकार का आ रहा है कि अब नाक मतलब खोल के रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बदबू इस तरीका का है कि बिल्कुल खट्टा की तरफ बास मार रहा है इसके अंदर से। और ये सब्जी कल शाम का भी हो सकता है, एज ए सुबह का भी हो सकता है, क्योंकि बंद हालत में अगर पैकेट, जो जिस पैकेट को आप देख रहे हैं, ये पैकेट में अगर रख दिया जाए बंद हालत में भी, अगर उसे खोला नहीं जाता है और बंद हालत में भी ऐसा है कि इसको पोलोथीन में पैक करके रखा गया था। मैं भी आखिर ये क्या माना जाए कि मीडिया सेंटर पे इस तरह का सड़ा हुआ खाना भेजना, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिला प्रशासन के वो पदाधिकारी जो ये व्यवस्था बनाए हुए हैं या जो खाना सप्लाई कर रहा है वो? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन जिम्मेवार नहीं हो सकती, क्योंकि जिला प्रशासन ने टेंडर दे रखा है और जो टेंडर दिया है जिस व्यक्ति को, वो जब ला के यहाँ पहुँचा रहा है उसे देखना है कि खाना हमें कैसे देना है, कैसा नाश्ता देना है, किस तरह का व्यवस्था देखना है। तो टेंडर जो लेके रखा हुआ है, जो पहुँचाने वाला व्यक्ति है, उसे देखना है, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जवाबदेही है कि खाना अच्छा हो, नाश्ता बेहतर हो। और मीडिया कर्मी को अगर देना है तो वो भी व्यवस्था देखना है कि मीडिया कर्मियों को गलत ना हो। तो ये जो रद्दी खाना है, इसकी सूचना आपने जिला प्रशासन के किसी अधिकारी को दिया है कि इस तरह के खाना मीडिया सेंटर पर भेजा गया? देखिए, अभी जिला सूचना जनसंपर्क विभाग के जो स्टाफ थे उनको मैंने सूचना दिया है। हालांकि अभी सूचना जनसंपर्क विभाग के जो DPRO हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। वो अंदर हैं और फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में अभी जो स्टाफ हैं उस विभाग के, उसको मैंने सूचना दे दिया है। चलिए, आपने देखा कि निरंजन जी से हमारी बातचीत हो रही थी और ये सड़ा हुआ जो खाना यहाँ पे मीडिया सेंटर पे मीडिया कर्मियों के लिए भेजा गया है, ये काफ़ी बहुत बड़ी घटना है। आपको बता दें कि कल इसी सिवान ज़िले में 5 लोगों की मौत हुई है, एक व्यक्ति और रात में मरा, ये संख्या 6 हो जाती है। हालांकि खबर ये है कि वो जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, लेकिन जो जिला प्रशासन है, चूँकि बिहार में शराबबंदी है और जिला प्रशासन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि शराबबंदी के शराब के कारण, जहरीली शराब के कारण उनकी मौत हुई है, उनका कहना है कि कुछ गलत चीज़ उन लोगों ने खा लिया है जिससे उनकी मौत हुई है। और ये पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। आज सुबह मीडिया सेंटर पे, DAV के मीडिया सेंटर पे ये सड़ा हुआ खाना यहाँ पे भेज दिया गया। कई मीडिया कर्मी इसे नाश्ता कर भी चुके हैं। अगर उनके साथ फूड प्वाइजनिंग या कोई और घटना होती है तो अब इसका जिम्मेवार कौन होगा?